आप सभी भक्तों को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन जितनी भी माताएं होती हैं वह अपने संतान की सलामती, लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के तहत इस व्रत को करती हैं। पूरे दिन निर्जला इस व्रत को किया जाता है और संध्या काल में तारे को देख करके व्रत को खोला जाता है। व्रत का कथा उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना ज़्यादा व्रत करना महत्वपूर्ण है। यदि व्रत की संपूर्ण लाभ की प्राप्ति करना चाहते हों तब ऐसे में अहोई अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण और भी ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे और बहुएं, इसके साथ ही एक बेटी भी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले की बात है, उसकी बेटी अपनी भाभियों के संग घर की लिपाई पुताई के लिए जंगल से साफ मिट्टियाँ लेने के लिए गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त उसकी बेटी की खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का शाप दे दिया। उस शाप का असर ऐसा हुआ कि साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। स्याहू के इस प्रकार के वचन को सुनते ही साहूकार की बेटी बहुत ही भयभीत हो गई और डर गई। उसने अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती की कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। तब सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को राजी हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वह 7 दिन के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से 7 पुत्रों की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाया और उससे इसका कारण पूछा। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू ने बिल्कुल इसी प्रकार से पालन किया और सुरही गाय की खूब सेवा श्रुषा करती है, जिससे सुरही सेवा से प्रसन्न हो जाती है। और एक दिन छोटी बहू से वह पूछती है, आखिर किस लिए तुम मेरी इतना सेवा करती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो, यदि कोई इच्छा हो तेरी तो वह मुझसे मांग ले। तब साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरे कोख को बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जन्म लेते तो हैं लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप मेरे कोख खुलवा देती हैं तो मैं आपका बड़ा ही उपकार मानूंगी। गाय माता ने तब उसकी बात को मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंची। रास्ते में थक जाने पर दोनों विश्राम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर चली जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखने के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती हैं और खून बिखरा हुआ देखकर उसे इस बात का एहसास होता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर छोटी बहू को चोंच से वह मारना शुरू कर देती हैं। छोटी बहू इस पर कहती है, उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। इस पर गरुड़ पंखनी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और सुरही सहित उसे स्याहू के पास झटपट पहुँचा देती हैं। वहाँ छोटे बहू स्याहू की भी बहुत अधिक सेवा करती है पूरी श्रद्धा भाव के साथ। स्याहू छोटे बहू की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटे बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधू का आशीर्वाद देती है और कहती है, घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। छोटी बहू इस प्रकार से अपने घर को लौट आती है। जब घर लौट कर आती है तो देखती है कि सच में उसकी 7 बेटी और 7 बहुएं एक साथ मिलजुल कर बैठे हुए हैं। मारे खुशी के वह भाव विभोर हो गई। उसने झटपट
सात अहोई बनाकर सात कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने यह कारनामा कर दिखाया जिससे उसकी संतान जिस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, लेकिन वह दुख के क्षण को सुख में बदल पाई। जिस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू ने अपने गृहस्थी को हंसी खुशी से पूर्ण किया, जिस प्रकार से अहोई माता ने साहूकार की बहू को कोख को खोल दिया और भड़ी पूरी होने का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार से इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की सभी महिलाओं के अभिलाषा पूर्ण होती हैं। इसलिए अहोई माता का व्रत करने के बाद अहोई माता के इस व्रत का कथा का श्रवण भी करना चाहिए, जिससे अहोई माता अत्यधिक प्रसन्न होती है और महिलाओं को संतान की सभी कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती है। जिन भी महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं होते हैं यानी कि अल्प आयु होते हैं, उन्हें यह व्रत विशेष तौर पर लाभकारी होता है। या फिर जिन भी माताओं की संतान बीमार हमेशा रहती हैं या फिर अस्वस्थ अवस्था में हमेशा रहती हैं, उन्हें भी यह व्रत विशेष रूप से फलदायी होती है। इससे संतान का भाग्य जगमगाता है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता की जय। हे अहोई माता, जिस प्रकार से आपने साहूकार की छोटी बहू पर अपनी कृपा दृष्टि दिखलाई, जिस प्रकार से छोटी बहू को आपने आशीर्वाद दिया, उसको प्रसन्न किया और संपूर्ण खुशियाँ उसको प्रदान की, उसी प्रकार से हम सभी की झोली खुशियों से भर देना। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।